खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में सियासत तेज हो गई है। गोवा में मनोहर पर्रिकर जैसे कद के व्यक्तित्व की जगह भरना बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। श्रीपद नायक के नाम की चर्चा तेज है, लेकिन बीजेपी का एक खेमा उनके खिलाफ है। वहीं संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा दल कांग्रेस भी सरकार बनाने के गणित में जुट गया है। रात भर नितिन गडकरी बीजेपी विधायकों और सहयोगी पार्टियों के विधायकों के साथ बैठक करते रहे हैं। यह इस वक्त की गोवा की राजनीतिक तस्वीर। कल शाम 7 बजे मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ, उन्होंने अंतिम सांसें ली और उसके बाद नितिन गडकरी वहां पर पहुंचते हैं। और कांग्रेस की तरफ से हालांकि एक दिन पहले शुक्रवार को ही वहां पर दावा पेश किया गया था सबसे बड़ा दल होने के नाते इस तरह का दावा करते हुए, और कल एक बार फिर राज्यपाल के सामने कांग्रेस ने अपना दावा पेश किया है। और नितिन गडकरी लगातार सहयोगी दलों के साथ और बीजेपी के विधायकों के साथ वहां पर बैठक कर रहे हैं। नए सीएम की तस्वीर क्या होगी, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मनोहर पर्रिकर की जगह नए सीएम का पद संभाल पाएगा, ये देखना बेहद अहम होगा। We wanted to put them straight. Basically, how the government should function, who should be delegated what responsibilities, and how we will go forward. We have told them, they have agreed on certain things, they have said they will get back on certain things. Holistically, I can tell you more details tomorrow. और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं। गणेश, सबसे अहम सवाल यह है कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि सहयोगी दलों की बातें हम सुन रहे हैं जो बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, बड़ी चुनौती है इस वक्त। नितिन गडकरी अगर वहां पर हैं तो कौन ऐसा चेहरा हो सकता है या किसको पूरे जो तमाम विधायक हैं और सहयोगी दल चुन सकते हैं। श्रीपद नायक का नाम आया, उसको लेकर भी ये सुनने में आ रहा है कि एक पक्ष उनके पक्ष में नहीं है, तो ये एक बड़ा विवाद हो सकता है। ऐसे में चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी है कि जल्द से जल्द कोई सही रास्ता निकाले गोवा में। जी बिल्कुल, और रास्ता आज निकाला जाएगा ये सूत्र हमें साफ कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो दबाव बन रहा है, कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं और ऐसे में अगर गोवा फॉरवर्ड 3 और 3 निर्दलीय जो विजय सरदेसाई के साथ में चले जाते हैं उनके साथ, तो सरकार उनकी बन सकती है। तो ऐसे में विजय सरदेसाई के पास रिमोट कंट्रोल है और वो जिस पर सहमति जताएंगे संभव है कि वही राज्य का मुख्यमंत्री होगा। कल एबीपी न्यूज से बात करते समय उन्होंने कहा था कि जो 12 विधायक अभी हैं बीजेपी के, उनमें से ही एक नेता चुना जाएगा, ऐसा हमें कहा गया। तो नेता कौन होता है ये देखेंगे। 3 नाम फिलहाल हैं, एक जो अभी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं वो है प्रमोद सावंत, जिन्होंने पीछे से आकर जो है आगे वो रेस में चले गए हैं, जो स्पीकर हैं विधानसभा में और जो अक्रॉस पार्टी दल उनके लिए मान्यता है। तो ऐसे में उनके नाम पर सहमति जो सहयोगी दल है वो जता सकते हैं, ऐसी जानकारी है। श्रीपद नायक को बीजेपी का आला कमान चाहता है कि मुख्यमंत्री पद की जो कमान है उन्हें सौंपी जाए, क्योंकि श्रीपद नायक और मनोहर पर्रिकर इन लोगों ने ही मिलकर बीजेपी को राज्य में स्थापित किया, मजबूती दी। तो ऐसे में वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, पार्टी के निष्ठावंत कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो ऐसे में उनका नाम बीजेपी चाहती थी, लेकिन विजय सरदेसाई का खेमा और एमजीपी और निर्दलीय जो है वो ये नहीं मानते हैं कि उनको बनाया जाए। साथ ही साथ विश्वजीत राणे जो कांग्रेस छोड़कर यहाँ बीजेपी में आए हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि उनके पास कुछ कांग्रेस के विधायकों का समर्थन है। तो ऐसे में वो भी ये जताना चाहते हैं कि जब नंबर्स कम होंगे तो वो जुटा सकते हैं, कांग्रेस को तोड़ सकते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे ये 3 नाम है, क्या इन 3 नामों में से ही कोई होगा? प्रमोद सावंत फिलहाल रेस में आगे लग रहे हैं, लेकिन विजय सरदेसाई अगर सहमति नहीं जताते तो उनका नाम भी पीछे जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी जो एक कुशल जो है कह सकते हैं नेता तो है ही, लेकिन इन मामलों में जैसे पिछले चुनाव में जब 13 विधायक लेकर बीजेपी आई थी तो गडकरी ने ही मिलकर ये पूरा गणित बिठाया था, तो इसीलिए कल रात को ही वो पहुंचे। 1:15 बजे से लेकर करीब 3:30 बजे तक उनकी सिराडे गोवा में बैठक चली अपने सहयोगी दलों के साथ, अपने विधायकों के साथ। गणेश, इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, पहले विजय सरदेसाई ने ये कहा था कि उन्होंने जो पार्टी बीजेपी के साथ जो वो जुड़े थे, जो सहयोग दिया था, जो बीजेपी को मजबूत किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि वो मनोहर पर्रिकर के कहने पर किया था और पर्रिकर अब नहीं है, तो ऐसे में विकल्प सारे खुले हैं, ये भी विजय सरदेसाई की तरफ से पहले कहा गया था। जी बिल्कुल, देखिए विजय सरदेसाई जैसे मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल लेकर सरकार चलाना चाहते हैं और विजय सरदेसाई आज की स्थिति में चुनाव नहीं चाहते, इसीलिए वो जरूर बीजेपी के साथ ही जाएंगे ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स या अपनी बात मनवाना ये राजनीति का एक हिस्सा होता है,
जब गेंद उनके पाले में है तो वो जरूर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पोर्टफोलियो मिले या उनके मुताबिक मुख्यमंत्री पद दिया जाए या उन्हें मिले, तो ऐसे में वो प्रेशर जरूर बना रहे हैं। लेकिन विजय सरदेसाई ने पहले एबीपी न्यूज से कहा कि हमने मनोहर पर्रिकर को समर्थन दिया था, अब वो नहीं रहे तो हम सोचेंगे जरूर। लेकिन गडकरी के मिलने के बाद उनका बयान थोड़ा सा बदला। उनका कहना था कि कल मैं आपको बताऊंगा आखिर पॉलिटिकल सिचुएशन है क्या, लेकिन वो ये कहते हुए नजर जरूर आए कि जो बीजेपी तय करेगी हम उस पर विचार करेंगे और राज्य को स्थिर रखने के लिए, स्थिरता देने के लिए हम जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। यानी गडकरी ने जरूर उन्हें कुछ ऐसा कहा होगा जो वो कहीं ना कहीं मान गए होंगे। और कल ये भी वो उन्होंने कहा मीटिंग के बाद में नितिन गडकरी के साथ कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, कुछ बातों पर नहीं, और जो कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी वो आज बन सकती है और शाम तक राज्य को नया मुख्यमंत्री। जी गणेश, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, मैं आपको रोक रहा हूँ, लौट कर आऊंगा आपके पास। एक बार विधानसभा का गणित क्या है, तस्वीर क्या है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, वो भी अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये अभी कुल सीटें 36 हैं, बहुमत के लिए 19 सीटें चाहिए, बीजेपी के पास 12 है, एमजीएफ के पास 3 है, जीएफपी के पास 3 है, निर्दलीय 3 है और कुल 21, कांग्रेस के पास 1 है और बीजेपी के पास आंकड़ा 21 का हो रहा है और कांग्रेस दावा ठोक रही है कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं। तो जो अभी गणित है, जिस तरह से अभी सहयोगी दल है, उस हिसाब से बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है और इसीलिए शायद नितिन गडकरी आश्वस्त हैं कि वहां पर कोई राजनीतिक संकट पैदा नहीं होगा। गणेश, हम आंकड़ा देख रहे हैं, आंकड़ा अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, बीजेपी और सहयोगियों का जो आंकड़ा है वो 21 तक जाता है और कांग्रेस अपना दावा कर रही है, शुक्रवार को भी कांग्रेस ने दावा किया, राज्यपाल के सामने कल भी दावा किया। तो जो नितिन गडकरी भी खुद सोशल इंजीनियरिंग में माहिर माने जाते हैं और लोगों को मिलाकर साथ बढ़ने में माहिर माने जाते हैं, तो उम्मीद करें कि जल्द से जल्द इसका रास्ता निकल जाएगा ताकि कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी बिचारी होगी कि कांग्रेस को मौका ना मिले हावी होने का इस राजनीतिक संकट में। जी बिल्कुल, और जैसे मैं बता रहा था कि आज ही निर्णय हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज निर्णय लेना होगा, वरना अगर ये डिले किया गया तो विजय सरदेसाई या जो दूसरे समर्थन देने वाले जो सहयोगी दल हैं वो दूसरे पार्टी से यानी कांग्रेस से बातचीत कर सकते हैं, तो ऐसे में उनको अपने साथ लेकर चलने में ही बीजेपी सरकार स्थिर रख सकती है। इसी वजह से लगातार कल जब पहुंचे नितिन गडकरी गोवा, पहली मुलाकात उन्होंने विजय सरदेसाई और एमजीपी के साथ की। एमजीपी बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि एमजीपी के सुधीर ढवलीकर जो है उनके और नितिन गडकरी के बेहद अच्छे संबंध हैं, तो वो जरूर बीजेपी के साथ जाएंगे। मुश्किल आएगी विजय सरदेसाई के साथ में, इसीलिए उनको साथ लेकर जाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और उनके बात उनसे बातचीत करके ही नेता चुना जाएगा, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। इसीलिए प्रमोद सावंत का नाम अब जो है वो आगे से पीछे से आगे आया है क्योंकि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। विश्वजीत राणे भी कोशिश कर रहे हैं, श्रीपद नायक को बीजेपी बनाना चाहती है, लेकिन प्रमोद सावंत वो हो सकते हैं जिनको राज्य की कमान मिल सकती है। हालांकि अभी अगर मगर की बात है, समर्थन जी बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे गणेश, और प्रमोद सावंत पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का और कौन, या इनके अलावा और कौन नेता हो सकता है जो मनोहर पर्रिकर की जगह को गोवा में भर सकता है, उस जगह को जो मनोहर पर्रिकर ने जिस बीजेपी को वहां पर खड़ा किया और उनके जाने से एक बड़ा शून्य बन गया है। ये बड़ी चुनौती होगी उस नेता के लिए भी जो नेता आकर मुख्यमंत्री का पद संभालेगा।